क्या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या आई पिल लेने से फ्यूचर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकता है? देखिए थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बेसिकली इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको ओव्यूलेशन ना हो, इसीलिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते समय आपको प्रेगनेंसी का चांस नहीं रहता। लेकिन जब आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को कम्प्लीटली बंद कर देते हो तो फ्यूचर प्रेगनेंसी या फिर से प्रेग्नेंट होने में या न्यू प्रेगनेंसी के लिए नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है, 25 to 50 days तक का डिले हो सकता है। क्या आईपिल लेने से ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है? अगर आप आईपिल लेते हो तो उसकी वजह से आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं, 7 to 10 days के लिए आपके रेगुलर पीरियड्स जो है वो डिले हो सकते हैं। और कुछ लेडीज़ में 5 to 7 days कई बार पीरियड्स जल्दी भी आते हैं। इसके अलावा आईपिल की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर आपको आईपिल लेना है तो उसको लेने का एक सही तरीका होता है, आपको आईपिल 72 hours के अंदर ऑफ हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स के आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही आपको प्रेगनेंसी से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। अगर आपको कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेनी है तो उसके लिए कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेनी है, इसके लिए आपके डॉक्टर से आपको एक प्रिस्क्रिप्शन और रिकमेंडेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए बाय।